हाय फ्रेंड्स, दिस इज आकाश। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहुत सारा सवाल आता है, आपको पता है ना। यूपीएससी और एसएससी में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। 2018 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सवाल पूछा था, है ना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुल 15 सेंचुरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 15 सेंचुरी और कुछ नेशनल पार्क भी इंक्लूड किए गए हैं, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है या फिर कौन कौन से नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। तो वीडियो में बने रहकर आप पूरा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, सो आज का पहला आपका जाएगा, फिगर को देख सकते हैं। ये फिगर किसका, हुज फिगर इज इट? डेफिनेटली केन का है, जो ही इज द रेसलर ऑफ WWE। ओके, तो केन से हम लोग याद रखेंगे, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सो केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगा वो आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखें, हम जितना भी सेंचुरी बात करें सब अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे क्या है, ब्रिक्स है, बहुत सारे ईंटें हैं ना, तो बहुत सारे ईंट है, तो ईंट से हम लोग क्या बना सकते हैं, ईटानगर। सो याद रखेंगे ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो याद रखें ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखें ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट एग्जिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग ईगल से बात करेंगे, जो बाज होता है, बाज से आप क्या याद रख सकते हो, ईगल, ईगल बोलते हैं। तो ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम लोग ईगल से याद रखेंगे, ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इस तेल से बात करेंगे, इस तेल का नाम क्या है, सेसा कुछ करके नाम है, ठीक है ना। तो सेसा से हम लोग याद रखेंगे, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी। सो सेसा ऑर्चिड सेंचुरी, ठीक है, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी कहाँ पे, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी जो है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेल, टेल मतलब क्या होता है, पूछ होता है, ये किसी का पूछ है। पूछ से हम लोग क्या याद रखने वाले, पूछ से हम लोग याद रखेंगे टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगा, हम लोग इसको पूछ से याद रखेंगे, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सलमान खान के इस फोटो के बारे में। ठीक है, ये फोटो कौन से मूवी का है, ये फोटो दबंग फिल्म का है। ठीक है, सो दबंग फिल्म का है, तो दबंग से याद रखेंगे दिबंग। सो दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सो याद रखेंगे दबंग से, मूवी से याद रखेंगे दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगा ये अरुणाचल प्रदेश में। सो दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट एग्जिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अब हम इसको जरा से देखेंगे, ये क्या है, एक मॉल है। ठीक है, मॉल, तो मॉल से हम लोग क्या सीख सकते हैं, मॉल से हम लोग बनाएंगे मॉलिंग। ठीक है, सो मॉल से हम लोग बनाने वाले मॉलिंग, सो मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, मॉलिंग नेशनल पार्क जो है, मॉल से याद रखेंगे मॉलिंग नेशनल पार्क। सो मॉलिंग नेशनल पार्क जो होगा ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेशनल पार्क किसको बोलते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क जो होता है वो किसी भी देश का एक एरिया होता है। ठीक है, सो एन एरिया ऑफ कंट्री, तो नेशनल पार्क क्या हो सकता है, किसी भी देश का कोई एरिया होता है, दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और उस एरिया का जो संरक्षण एक प्रकार से मिला हुआ होता है, वो सरकार के द्वारा उस एरिया को संरक्षित किया जाता है। तो नेशनल पार्क क्या होता है, एक एरिया होता है किसी भी देश का जिसका संरक्षण दिया जाता है एक सरकार के द्वारा। इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि वो एरिया हो सके बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, और बिकॉज इट हैज़ स्पेशल हिस्ट्री, या फिर बोल सकते हो कि वो जो क्षेत्र है उसका जो इतिहास है बहुत ही अच्छा है। तो अगर किसी भी क्षेत्र का बहुत ही अच्छा इतिहास है, या फिर कोई क्षेत्र बहुत ही सुंदर है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन उस क्षेत्र को दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ऐसे एरिया को हम नेशनल पार्क बोलते हैं। अब हम ये घर देख सकते हैं, ये जो आपका घर है, मतलब घर का जो फ्लोर देख सकते हैं, पक्का है, मतलब मिट्टी का तो नहीं है ना, सीमेंट का, मतलब पक्का है। तो पक्का से हम लोग याद रखेंगे पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, सो पक्के टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर बोल सकते हो पाखी टाइगर रिजर्व। सो पक्के टाइगर रिजर्व या फिर पाखी टाइगर रिजर्व जो होता है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैट से रिलेटेड, कैट का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, म्याऊ म्याऊ, इसी तरह होता है ना। तो मेव से हम लोग याद रखेंगे मेहाओ, अगर मान लो कि कैट अगर ऐसा साउंड बनाए मेहाओ मेहाओ, तो क्या दिक्कत है। तो याद रखेंगे कैट के साउंड से मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सो मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। सो मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश।
अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिंग के बारे में, यहाँ पे कितने सारे रिंग है, एक रिंग है, तो एक रिंग है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ए रिंग, है ना, क्योंकि एक ही रिंग है इस फिगर में, इसलिए बोल सकते हैं ए रिंग। तो इसे हम लोग सीखेंगे डेइंग ए रिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो डेइंग ए रिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगा, डेइंग ए रिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे डव। डव क्या होता है, एक तरह का कबूतर होता है ना, बहुत ही सुंदर कबूतर होता है डव, बहुत ही अच्छे प्राणी होते हैं डव। तो डव से हम लोग याद रखेंगे डफा, नम जफा, नम जफा। सो जब से याद रखेंगे जफा और इसी को बनाएंगे नम जफा। सो नम जफा नेशनल पार्क होता है या फिर नम जफा टाइगर रिजर्व भी होता है, दोनों होता है। सो नम जफा नेशनल पार्क या फिर बोल सकते हो और नम जफा टाइगर रिजर्व, दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। अब इस फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, भगवान है, काली माँ है, प्रणाम काली। तो डेफिनेटली भगवान को हम लोग रब भी बोलते हैं, ठीक है, रब। तो भगवान कह लो तुम्हारा ही नहीं होता, सबका होता है, तो इसको बोल सकते हैं योडी, योर, तुम्हारा मतलब योर, सियोडी रबे सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भगवान से, रब से हम लोग बनाएंगे योडी रबे सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सियोडी रबे सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला हम लोग बात करेंगे, मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत ही लंबे समय तक काम करता है, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही लंबे समय तक काम करता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, काम करता है लंबे समय तक, काम लंग। तो काम करता है लॉन्ग समय तक, तो काम लॉन्ग दैट मीन्स काम लंग। तो याद रखेंगे काम लंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सो काम लंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका भी मतलब होगा काम लंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी होगा अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट अंत में हम लोग बात करेंगे कमेंग एलिफेंट रिजर्व। तो ये एक एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। तो एलिफेंट रिजर्व ये किस तरह से, कमेंग एलिफेंट रिजर्व। सो याद रखिए कमेंग एलिफेंट रिजर्व जो है, यह भी कह लो अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, कमेंग एलिफेंट रिजर्व, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू।